हेलो गाइस, टुडे विद बीबी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे उमर रियाज और रश्मि देसाई के बारे में। हमने देखा उमर रियाज की जर्नी बिग बॉस 15 से स्टार्ट हुई। वैसे तो उमर रियाज एक डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने बिग बॉस एक ऐसे शो में आकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट किया जहां शायद लोगों ने इन्हें फर्स्ट टाइम जानना स्टार्ट किया। लेकिन इन्होंने बिग बॉस में रहते हुए वो टास्क हो या अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के साथ शेयर करना, वो किसी की केयर करना या किसी के साथ बॉन्ड बनाना या रिलेशन बनाना, ये हर जगह पर बहुत ही अच्छी तरह से प्ले कर अपना नाम और अपना सिक्का मनवाते रहे। इन्होंने बिग बॉस में रहते हुए हर उस चीज को जो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी और ये शायद उस चीज को कर नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने उस हर चीज को चैलेंजली लेकर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और अपने आप को मनवाया। आज वही उमर रियाज है जो लोगों की थिंकिंग है और लोगों ने उन्हें इतना फॉलो किया, उनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गई कि आज हर इंसान के मुंह पर सिर्फ उमर रियाज हैं। उमर रियाज इतने हिट हो गए बिग बॉस से कि हमने इन्हें बिग बॉस के बाद बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे देखा। हमने देखा बिग बॉस में इनका रिलेशन स्टार्ट हुआ रश्मि देसाई के साथ, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन लोगों ने इनकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा लव साइड से रिलेट किया और इन्हें ये फील करवाया कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और लोगों के कहने के बाद इन्होंने दोनों ने एक दूसरे में इंटरेस्टेड होना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बिग बॉस में रहने के बावजूद भी, बिग बॉस से जब ये इविक्ट हो गए उसके बाद भी ये हमें कई जगह पर साथ नजर आए और उसी बॉन्ड के साथ जैसे ये बिग बॉस में थे। उस दौरान सबको कंफर्म हो गया कि हाँ, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये हर पार्टी में हर जगह साथ नजर आते थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्रेंकली रह रहे थे, हर पार्टी में साथ ही होते थे। लेकिन कुछ टाइम पहले इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को अपनी आईडी से अनफॉलो किया और इस चीज को अपने फैंस के साथ शेयर किया कि ये दोनों अब नेक्स्ट टाइम हमें कभी साथ नहीं नजर आएंगे और अब ये एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है और ये अब फ्यूचर लाइफ में कभी भी साथ नहीं देख पाएंगे अपने फैंस को। इनमें ऐसी क्या बात हुई और एक ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इनके दरमियान हुआ इतना बड़ा मसला कि इन्हें एक दूसरे को अनफॉलो करना पड़ा? क्या वो जो सब कुछ था वो सिर्फ दिखावा था या बिग बॉस में फेम हासिल करने के लिए वो सब कुछ कर रहे थे? और अगर ऐसा नहीं था तो इनमें अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्होंने इतना अच्छी फ्रेंडशिप को इग्नोर करके, किक आउट करके अनफॉलो कर दिया और अपने फैंस को एक सवालिया निशान पर खड़ा कर दिया कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या ये हकीकत है या ये भी है एक लोगों को दिखाने के लिए एक ड्रामा कि इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात हो सके। असल रीजन क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन गाइज आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भूल मत जाया करें, क्योंकि इससे आपके पास पहुंचने वाली ऐसी ही धमाकेदार खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी और आप अपनी हर फेवरेट पर्सनालिटीज की खबर से बाखबर रह पाएंगे। थैंक यू सो मच।